गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का नया टॉपिक रोमन न्यूमरल्स। क्या पढ़ेंगे? रोमन न्यूमरल्स। अब हम पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स क्या होता है और हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स क्या होते हैं। जिन नंबर्स को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि 1, 5, 10, 11, 20, 30, ठीक है, इन नंबर्स को बोलते हैं हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। क्या बोलते हैं? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। जब हम इन नंबर्स को रोमन नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जब भी हम कैसे किसी नंबर को रोमन न्यूमरल्स में रिप्रेजेंट करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको दे रखा है 1, क्या दे रखा है? 1, तो इस नंबर को आप क्या बोलेंगे? ये किस में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में। किस में लिख रखा है ये? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में। जब हम इसे रोमन नंबर में, रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 लिखा जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, 2 लिखा जाता है कुछ इस तरीके से जब हम 2i बना देते हैं, 3 लिखा जाता है जब हम 3i बना देते हैं, 4 लिखा जाता है जब हम 1 बनाते हैं और 5 का साइन बनाते हैं, तब लिखा जाता है 4। फिर ये आया 5। 5 को कैसे लिखते हैं? सिंगल में लिखते हैं 5, ठीक है। फिर आया आपका 6। तो 6 कैसे बना? 6 बना 5 + 1, तो 5 को हम ऐसे लिखते हैं, 1 को हम ऐसे लिखते हैं, तो 5 में हमने 1 प्लस कर दिया तो क्या बन गया? ये 6 बन गया। अब 7 कैसे बनेगा? 7 बनेगा जब हम 5 में 1 प्लस कर देंगे, एक और 1 प्लस कर देंगे, तब बन जाएगा 7। 8 कैसे बनेगा? जब हम 7 में 1 प्लस कर देंगे तो बन जाएगा 8। 9 कैसे बनेगा? 9 बनेगा जब हम 1 लिखेंगे और ये 10 का साइन बनाएंगे, ठीक है, तो ये बन गया 9। अब आप आ जाइए 10 में, 10 बनता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम, ये तो हमने छोटी छोटी डिजिट्स पढ़ ली, इन्हीं नंबर से हम बहुत सारे नंबर्स बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स बनाते हैं, लैक्स में बनाते हैं, थाउजेंड में बनाते हैं, 10,000 में बनाते हैं, करोड़्स में बनाते हैं, अरब्स में बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बेसिक समझ लेंगे तो हम बहुत सारे नंबर बनाने सीख जाएंगे। तो बच्चों, रोमन न्यूमरल्स के बड़े बड़े नंबरों को हम रोमन नंबर्स में कैसे लिखते हैं, इसके 3 रूल्स हैं। कितने रूल्स हैं? 3 रूल्स हैं। कितने रूल्स हैं? 3 रूल्स हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे रूल नंबर वन। हम कौन सा रूल पढ़ेंगे? रूल नंबर वन आपसे ये बोलता है, जब भी आपको, जैसे कि कोई भी 3 रोमन नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि 1 + 1 + 1, ठीक है, तो इसकी डिजिट आप कैसे निकालेंगे? आपको पता कैसे लगेगा कि ये 3 लिखा हुआ है? ठीक है, तो आपको पता ऐसे लगेगा जब भी ये रिपीट हो रहे हैं हम उतने को ही प्लस कर देंगे। जैसे ये क्या दे रखा है? 1 प्लस, ये क्या दे रखा है? 1 प्लस, ये क्या दे रखा है? 1, तीनों को प्लस कर दिया 3, तो ये 3 का, ये क्या है? ये 3 है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ होती है, अगर कोई भी डिजिट 4 टाइम्स रिपीट हो रही है, जैसे कि ये 3 है और ये 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये कोई भी नंबर नहीं है, ये गलत है, ठीक है, ये कोई भी रूल में नहीं आता है। अगर ऐसे देखिए, जैसे मैंने आपको 4 बताया था, तो आपको लग रहा होगा मैम ने 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 मैम ऐसे भी तो बना सकती थी, 1, 2, 3, 4, नहीं, ये कोई रूल नहीं है, ये गलत है, ठीक है। कोई भी डिजिट अगर 4 टाइम्स रिपीट हो रही है, इसका मतलब वो गलत लिखा हुआ है, आपने वो नंबर गलत लिखा है, ठीक है। तो पहला रूल हमने ये समझा। सेकंड रूल क्या होता है? रूल नंबर टू क्या कहता है? रूल नंबर टू आपसे ये कहता है, जैसे ही आपने, जैसे कि ये लिखा है आपका, रूल नंबर टू आपसे ये कहता है, जैसे कि मैंने ये, जैसे 10 बनाया, तो अभी हम छोटे छोटे नंबर से ही सीखेंगे, फिर मैं आपको 50, 100, 500, 1000 ये समझाऊंगी, तो फिर आप बड़े बड़े डिजिट समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने सबसे बड़ा नंबर सीखा है 10, तो मैंने आपके आगे लिख दिया 11, क्या लिख दिया? 11। अब आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखिए, जैसे कि आपके पास कोई भी नंबर दे रखा है 11, देखिए ऐसे लिखा जाता है,
ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये 10 है और ये क्या है, ये 1 है जो आपने सीखा था। तो आप निकालेंगे कैसे कि ये रोमन न्यूमरल में पूरा नंबर इसको बोलते कैसे हैं। तो जब भी आपको पता चले कि राइट हैंड साइड पर, जैसे ये 10 है, 10 के राइट हैंड साइड पर स्मॉलर डिजिट दे रखी है, कैसी डिजिट दे रखी है, स्मॉलर डिजिट दे रखी है, तो आप क्या करते हैं उन दोनों को प्लस कर देते हैं। जैसे ये क्या दे रखा है, 1, 10 के राइट हैंड पे ही तो 1 दे रखा है, तो हम इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 1, और ये क्या है, 10, तो अब हम क्या करेंगे, 10 में 1 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 11। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, 11 बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको लिखा 12, क्या लिखा, 12, अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये 12 है, तो आपको ऐसे पता चलेगा, ये क्या दे रखा है, 1, ये क्या दे रखा है, 1, और ये क्या दे रखा है, 10, तो 10 के राइट हैंड पे सीधे हाथ पे ही तो दो डिजिट दे रखी हैं जो 10 से क्या है, छोटी हैं। इसका मतलब हमें इन तीनों को प्लस करना है, तो ये दे रखा है 1, ये दे रखा है 1, और ये दे रखा है 10। अब हम क्या करेंगे, 10 प्लस 1 प्लस 1, तो 10 प्लस 1 11 प्लस 1 12, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आई बच्चों आपको चीज़ें। अब जैसे कि मैंने आपको, चलिए अब आप मुझे बताइएगा, मैंने ये लिखा है, ठीक है, अब मुझे बताओ इसको मैं क्या बोलूँ, सोचो। इसको हमने क्या पढ़ा है, इसको हमने 5 पढ़ा है, क्या बोलते हैं इसको, 5 बोलते हैं। तो देखिए जो ये 5 है और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम 10 बोलते हैं। ठीक है, तो जो 5 है वो 10 के राइट साइड पे है कि लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे, सीधे हाथ पे है। इसका मतलब हमें इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। देखिए तो ये क्या है, 5, और ये क्या है, 10। अब हम क्या करेंगे, 10 में 5 को प्लस कर देंगे तो क्या आ गया, 15 आ गया। क्या आ गया बच्चों, 15 आ गया, वेरी गुड। अब आपको रूल नंबर 2 समझ में आया, आपके पास कोई भी रोमन न्यूमरल हो उसको आप कैसे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में बताएंगे। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, ये रोमन न्यूमरल्स हैं कि ये रोमन न्यूमरल्स हैं, बताइए, लेफ्ट साइड वाले नंबर्स रोमन न्यूमरल्स हैं कि राइट साइड वाले नंबर रोमन न्यूमरल्स हैं। वेरी गुड, जो ये लिखे हुए हैं ये हैं रोमन न्यूमरल्स, क्या बोलते हैं ना, रोमन न्यूमरल्स मतलब रोमन नंबर्स। ये क्या है, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, बोलोगे मैम ये आपने दे तो रखा है फिर भी आप हमारा टेस्ट ही लेते रहते हो जब देखो तब, इसको बोलते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। तो हमने कितने रूल्स पढ़ने की बात करी थी, 3 रूल्स पढ़ने की बात करी थी, लेकिन अभी हमने रूल 1 पढ़ा है, रूल 2 पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे रूल 3। रूल 1 रूल 2 तो आ गया ना आपके समझ में, चलिए अब हम पढ़ेंगे रूल 3। ठीक है, पहले मैं आपको ऐसे समझाऊंगी फिर मैं आपको आपकी बुक से समझाऊंगी, आपके बुक में भी सेम एज इट इज ऐसे ही दे रखा है। तो अब आपसे रूल 3 क्या कहता है, रूल 3 बेटा ये बोलता है, जैसे हमने रूल 2 में पढ़ा कि किसी भी नंबर के अगर राइट हैंड साइड पे उससे छोटी डिजिट दे रखी होगी तो हम उन दोनों को प्लस कर देंगे, लेकिन रूल 3 इसका उल्टा बोलता है। रूल 3 बोलता है जैसे कि मैंने ये लिखा, ठीक है, तो इसको आप क्या पढ़ते हैं, पहले वाले को इसको आप पढ़ते हैं 1, ठीक है, और इस दूसरे वाले को, सॉरी ये दे रखा है, ठीक है, इस पहले वाले को आप क्या पढ़ते हैं, 1, और इस दूसरे वाले को आप क्या पढ़ते हैं, 10। तो अब आप बताइए बड़े वाले के आगे कोई बड़ी डिजिट है, मतलब 1 जो है उससे बड़ा है 10 कि उससे छोटा है, उससे बड़ा है। हमने रूल नंबर 2 में पढ़ा था कि अगर फर्स्ट वाली डिजिट से सेकंड वाली डिजिट छोटी होती है, जैसे कि फर्स्ट वाली डिजिट बड़ी है और सेकंड वाली डिजिट छोटी है, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे, लेकिन इधर तो उल्टा हो गया, इधर फर्स्ट वाली डिजिट छोटी है और सेकंड वाली डिजिट बड़ी है, अब हम क्या करें। बेटा इस केस में हम क्या करते हैं, हमने देखा था अगर आगे वाली डिजिट छोटी है तो हम उसमें प्लस कर देते हैं, लेकिन अगर पीछे वाली डिजिट छोटी है, ठीक है, पीछे वाली डिजिट छोटी है उससे, तो हम क्या करेंगे, 10 में 1 को माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, 10 में 1 को माइनस कर देंगे, तो क्या आ गया, 9 आ गया। क्या आ गया बच्चों, 9 आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम 9 बोलते हैं। चलिए अब हम थोड़ा ऊपर आते हैं, मैंने आपके डाउट को क्लियर नहीं किया था, अब करती हूँ। चलो
मैंने आपको 1, 2, 3 बोला और फिर मैंने आपको 4 बोला, तो आपने बोला था मैम आपने 1 और 5 बोला है, ये तो 15 होना चाहिए। नहीं, अब आप देखो ये क्या है, ये 5 का साइन है और ये है 1 का साइन। इसके मतलब क्या है, 5 से पीछे उससे छोटा साइन दे रखा है, तो हम 5 में 1 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आया, इसलिए हम इसको 4 लिखते हैं। ऐसे ही आप इधर 9 में आ जाइए, 9 को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 10 का साइन है, 10 के आगे तो कोई साइन है नहीं, लेकिन जो उसके पीछे साइन है वो उससे बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, 10 में 1 को माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 19 हो जाएगा। तो ये मैंने आपको अपने तरीके से रोमन न्यूमरल्स पढ़ाए हैं, तो अब आपकी बुक में क्या दे रखा है वो हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चंस भी तो पढ़ने। चलिए, क्या दे रखा है रोमन न्यूमरल्स में, क्या दे रखा है, देखिए 1 को आप ऐसे लिखते हैं, 5 को आप ऐसे लिखते हैं, 10 को आप ऐसे लिखते हैं, ये लिखा है 50 को आप लिखते हैं L, क्या लिखते हैं L। बच्चों ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या दे रखा है, 100 को क्या लिखते हैं आप, C लिखते हैं, 500 को आप D लिखते हैं, और 1000 को आप M लिखते हैं, क्या लिखते हैं, M लिखते हैं। फिर इसके बाद हमारी काउंटिंग चालू होती है, जैसे 1001, 1002, 1003, 1004, ठीक है। तो ये आपके मेन नंबर्स हैं, इनसे ही आपकी काउंटिंग आगे 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 बढ़ती है, ठीक है। तो आपको ये टेबल बच्चों अच्छे से लर्न करनी है, मैं इस टेबल का आपसे टेस्ट लूँगी, याद रखिएगा। चलिए नीचे बढ़ते हैं। अब हमने अभी कितने रूल्स पढ़े थे, 3 रूल्स पढ़े थे, वही 3 रूल्स आपकी बुक में दे रखे हैं। तो चलिए अब हम 3 रूल्स को पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है, रूल नंबर 1 आपसे बोल रहा है टू ऐड अ नंबर, किसी भी नंबर को ऐड करने के लिए, प्लस करने के लिए द सिंबल इज रिपीटेड, ठीक है। जब भी कोई सिंबल रिपीट कर रहा हो तो आप क्या करें, उसको ऐड कर दें। जैसे कि यहाँ 3 दे रखा, जैसे 3 दे रखा है, 3 कैसे बना, 1 + 1 + 1, तो क्या बन गया, ये 3 बन गया, 1 1 1। अब ये क्या दे रखा है, 10 10 1 1, ठीक है। तो 10 + 10, ये जो रिपीट हो रही है इन डिजिट को हम प्लस कर देंगे, हमने पढ़ा था। लेकिन डिजिट कितनी बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, 4 times, 3 times तक रिपीट हो सकती हैं। अगर 3 times से ज़्यादा रिपीट हुई, इसका मतलब हमारा रोमन न्यूमरल जो भी है वो गलत है, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स रिपीट है, 10 2 times रिपीट है, और 1 कितने टाइम्स रिपीट है, 1 भी 2 times रिपीट है। तो पहले क्या दे रखा है आपको, 10, फिर क्या दे रखा है बच्चों, 10, फिर आपको 1, फिर आपको दे रखा है 1। अब हम इन सबको क्या कर देंगे, जो भी डिजिट रिपीट हो रही है सबको प्लस कर देंगे। 10 + 10 = 20, 20 + 1 = 21, 21 + 1 = 22। आया आपको रूल नंबर 1 समझ में। अब हम आते हैं रूल नंबर 2 पर, क्या दे रखा है, इफ़ अ स्मॉलर सिंबल इज रिटन टू द राइट ऑफ अ ग्रेटर सिंबल देन इट्स वैल्यू इज एडेड टू द ग्रेटर सिंबल। ये तो हम पढ़ चुके हैं, हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई भी स्मॉलर सिंबल किसी भी ग्रेटर सिंबल के राइट में दे रखा होगा तो हम उसे प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये पहला सिंबल है, ये क्या है, 5, और आगे जो दे रखा है इसके राइट हैंड साइड पे वो दे रखा है 1, मतलब 5 से छोटा दे रखा है 1, किस साइड पे दे रखा है, राइट साइड पे। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। देखिए ये स्मॉलर सिंबल और आगे वाला है आपका ग्रेटर सिंबल, तो ग्रेटर सिंबल में अब आप क्या करेंगे, स्मॉलर सिंबल को प्लस कर देंगे, क्योंकि स्मॉलर सिंबल ग्रेटर सिंबल के राइट हैंड साइड पर दे रखा है, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, जैसे कि ये दे रखा है L X, L क्या होता है, L होता है 50 और X होता है 10, मतलब 50 बड़ा है और 50 के आगे वाला जो नंबर दे रखा है वो है छोटा उससे, इसका मतलब हम दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 50 + 10 = 60, वेरी गुड। अब एक और दे रखा है, क्या दे रखा है, LX 1 1, क्या दे रखा है, LX 1 1, मतलब LX II। अब इसको L क्या है आपका, 50, x क्या है, 10, मतलब राइट हैंड साइड वाली जो डिजिट है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से, जो राइट हैंड साइड वाली डिजिट है वो लेफ्ट हैंड साइड से छोटी है, तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे। l क्या है, 50, x क्या है, 10, उसके आगे दे रखा है 1, फिर क्या दे रखा है, 1, तो 50 + 10 कितना हो गया, 60, 60 + 1 हो गया 61, और ये हो गया एक और 1, इसका मतलब 62। चलिए अब आपको रूल नंबर 2 समझ में आ गया, अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3।
इफ़ अ स्मॉलर सिंबल इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए ग्रेटर सिंबल, अगर कोई भी स्मॉलर सिंबल ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट में दे रखा होता है, किस में दे रखा होता है, लेफ्ट में, देन इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर सिंबल, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर सिंबल से माइनस कर दी जाती है। ठीक है, जैसे अभी हमने रूल नंबर 2 में पढ़ा, ग्रेटर सिंबल के राइट हैंड साइड पे उससे छोटी डिजिट दे रखी होगी तो हम उन दोनों को प्लस कर देंगे, लेकिन अगर ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड पे उससे छोटी डिजिट दे रखी होगी, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर छोटी डिजिट है तो माइनस करना है, और राइट हैंड साइड पे अगर छोटी डिजिट है तो प्लस करना है। ये क्या दे रखा है, 1 5, 1 है इसको बोलते हैं 1 और इसको बोलते हैं 5, तो 1 जो है वो 5 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। ठीक है, तो ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट में दे रखी है उससे छोटी डिजिट, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 5 - 1 = 4। फिर दे रखा है एक्स एल, एक्स क्या होता है 10 और एल होता है 50, 50 के लेफ्ट हैंड साइड पे उससे छोटी डिजिट दे रखी है, तो अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, 50 - 10 = 40, वेरी गुड। अब क्या दे रखा है, एक्स सी, एक्स का मतलब होता है 10 और सी का मतलब होता है 100, तो 100 के लेफ्ट हैंड साइड पे उससे छोटी डिजिट दे रखी है, छोटा सिंबल दे रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 100 - 10 = 90, वेरी गुड। तो अब आपको ये वाला रूल, ये वाला रूल और ये वाला रूल, तीनों रूल समझ में आ गए बच्चों, वेरी गुड। अब ये क्या दे रखा है, इन कॉलम्स को पढ़ते हैं, ये दे रखा है डोंट्स इन दिस रूल, मतलब इन रूल्स में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, अगर ऐसी चीज़ हो रही है इसका मतलब वो क्वेश्चन आपका गलत है। अ सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 times, जो सिंबल है वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे कि हम 1 2 3 बार इसको लिख दें तो इसको हम 30 बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे ही अगर आपने एक और बार लिख दिया तो ये गलत हो गया। एक सेम टाइप की जो सिंबल है वो 4 times रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही V, L, D कभी रिपीट नहीं हो सकते, भाई V मतलब होता है 5, L मतलब होता है 50, D मतलब होता है 500, तो क्या ये रिपीट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। जैसे कि एग्जांपल भी दे रखा है वी वी, कहीं दे रखा है वी वी, तो क्या ये, अब आप बोलोगे मैम ये 4 times तो दे नहीं रखा, सिर्फ 2 times दे रखा है, तो बेटा ये एक्सेप्शन केस है, वी एल डी कभी भी रिपीट नहीं हो सकते, नेवर रिपीटेड है। ठीक है, अब आप इधर आ जाइए, डोंट्स इन दिस रूल, इसमें क्या दे रखा है, वी एल डी आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द ग्रेटर सिंबल, जो वी है 5 है 50 है और 500 है, ये तीनों जो सिंबल हैं ये किसी भी ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट साइड में लिख आप नहीं सकते, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। जैसे कि आपने V और X लिख दिया, तो V का मतलब होता है 5 और X का मतलब होता है 10, तो क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है और ये अलाउड भी आपको नहीं है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी और फिर हम अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तब तक आपको इस वीडियो को बार बार देखना है और अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से मजबूत करना है। ठीक है बच्चों, बाय बाय।